तो आने वाले 7 तारीख को हम लोगों को वोट करना है, सबको पता है ना? हम आपको परेशान करके रख दिए, पता है ना? ये टीआरएस गवर्नमेंट को भगाना है यहाँ से, क्योंकि टीआरएस और बीजेपी ने मिलके आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अभी हमारे युवा नेता हैं अनिल कुमार यादव जी, उनके लिए भारी से भारी बहुमतों से आपको आने वाली 7 तारीख को वोट करना है, क्योंकि उनके लिए नहीं आपको अपने लिए वोट करना है। ये आने वाली 7 तारीख इस युवा नेता का ही नहीं बल्कि आप सबका इलेक्शन है और आप सबको इस इलेक्शन पर जीतना है। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे ना? बिल्कुल दोनों हाथ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आज आपको ये पूरा रोड शो भी करना है। मुझे बहुत दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, सबको धन्यवाद करती हूँ कि आप सब आज यहाँ पर आए हैं इतनी भारी से भारी तादाद में। लेकिन जो कांग्रेस ने इस प्रदेश को इतने अच्छे और इतने अच्छे स्थिति में इनको दिया था केसीआर जी को, और इन्होंने आज क्या करके रखा है इस राज्य को, उन्होंने 220,000 करोड़ के ऋण में रखा है। और आपका ये मौका है, 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है, ये मौका तो मत गवाइएगा। मैंने हमेशा सही बोला है कि नहीं बोला है? नहीं बोला ना, आज भी सही बोल रही है। अनिल कुमार को ही वोट देना, देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, एक बार फिर से हम सब इनके लिए वोट पूरे एरिया में मांगेंगे और रोड शो करेंगे। लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है कि जिस तरह से आप इतने भारी भीड़ में यहाँ पर आए हैं, हमारे युवा नेता है इनको भारी से भारी बहुमतों से जिताइए। वो सब झूठ निकला ना, 2 बेडरूम का घर, 2 बेडरूम का घर किसी को मिला? युवाओं को नौकरी मिली? 15 लाख रुपए किसी को मिले? आगे कुछ नहीं मिलेगा, पकौड़े तलना पड़ेगा। पकौड़े तलना है अक्सर, नहीं ना? तो इसीलिए भाई अनिल कुमार यादव को वोट देना है, ताकि भारी से भारी बहुमतों से वोट देके जिताना है। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना ही खानदान देखते हैं, अपना ही परिवार देखते हैं और अपना ही परिवार का स्वार्थ देखते हैं। आपका क्या प्रॉब्लम है वो नहीं देखते हैं। इसीलिए आप भाई अनिल कुमार यादव को भारी से भारी बहुमतों से जिता, और हम सब सेलिब्रेट करेंगे फिर। आज बहुत खुशी हो रही है एक अलग किरदार में आप सबके सामने यहाँ पर आकर, लेकिन आज सबसे एक ही इल्तिजा करने आई हूँ। पर्दे पर तो आप लोगों ने बहुत सब देख लिया, कई जईफ बुजुर्ग हैं यहाँ पर बैठे हुए, सभी से मेरी इल्तिजा है। अभी हमारे भाइयों ने तो सारी बातें कर दी, कहने के लिए कुछ रहा नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं किस तरह से अनिल यादव जी की लड़ाई बीजेपी से है, और मोदी जी का काम और टीआरएस जी का काम सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। टीआरएस ने तो जिस तरह से मुस्लिमों को छला है, 12% आपको आरक्षण मिलना था, मिला क्या? नहीं ना? और इन्होंने कहा नौकरियां मिलनी थी, मिली क्या नौजवानों को? नहीं ना? 15 लाख भी नहीं मिले। जब कुछ भी नहीं मिला इस प्रदेश को, जब सोनिया गांधी जी ने 2014 में बनाकर राष्ट्र, एक नया राष्ट्र बनाया, तब ये बहुत ही इसमें उन्होंने जो पैसे दिए थे वो अच्छे ही एक खुशहाल राष्ट्र बना था ये। लेकिन टीएसआर ने इसे 2 लाख 20 हजार करोड़ के ऋण में इस राज्य को डाला, और अब कितनी सारी, जैसे हॉस्पिटल में जो
योजनाएं कांग्रेस की तरफ से बनी थी और कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन वो सारी योजनाओं को इन्होंने विफल कर दिया। और एक तरह से देखने जाएं तो इन्हीं का परिवार है जो कि फल रहा है, फूल रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ के इस राष्ट्र के लोग जो करीबन 3.5 लाख लोग हैं, 3.5 लाख करोड़ लोग हैं यहाँ पर, 3.5 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, माफी चाहती हूँ, तो इन लोगों का क्या होगा? किस कागार पे लाकर केसीआर ने छोड़ा है इन लोगों को? तो हम सबको ये बात को ध्यान में रखते हुए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगी क्योंकि आज ज्यादातर मेरे सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं, और मेरे जवान भाइयाँ हैं, मेरी महिला बहनें भी जो पीछे आई हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतनी रात को इतनी तादाद में बाहर आई है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज मुझे ये मौका मिल सका कि मैं ये युवा नेता के प्रचार में यहाँ पर आ सकी और शामिल हो सकी। सिर्फ आप लोगों को इसलिए बताने के लिए कि आने वाली 7 तारीख बहुत अहम है। हम सिर्फ ये एक छोटा सा एक कार्यक्रम नहीं कर रहे, जमावड़ा नहीं कर रहे, लेकिन ये आपके भविष्य का सवाल है, ये आपके अगले 5 साल का सवाल है। अगर आप लोग अगले 5 साल तक पकौड़े नहीं करना चाहते, जो कि मोदी जी ने कहा है, मैं ये नहीं कहती कि पकौड़े तलना कोई खराब बात है, अच्छी बात है, लेकिन पकौड़े तो आप यूं ही खा लेते हैं, यूं ही तल लेते हैं, तो उसके लिए वोट करने की जरूरत नहीं है बीजेपी को। तो ये जो वो दिशा और दशा इस देश को बता रहे हैं, जिस दिशा और दशा में इन्होंने छोड़ा है, यहाँ पर तो देखो कि महिलाएं, मेरी महिला बहनों का तो कुछ हक ही नहीं है इस राज्य में, उनकी बेटी के सिवा दूसरी महिलाएं, मेरे ख्याल से उनके पास 6 महिला विधायक हैं, लेकिन एक भी महिला विधायक कोई मिनिस्टर नहीं बन सकी, कैबिनेट में नहीं आ सकी, महिलाओं की हिफाजत ठीक तरह से नहीं होती। तो इससे कितने सारे मसले हैं यहाँ पर जो इस राष्ट्र में, मतलब दो कमरे का उन्होंने कहा था घर देंगे, किसी को दिया, किसी को मिला 2 कमरे का घर? और कितने सारे वायदे किए थे इन्होंने दलितों के लिए, भी बहुत कुछ कहा था कि ये करेंगे देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपने मैनिफेस्टो में जितनी भी बातें की उस पे कोई भी वायदे पे खड़े नहीं उतरे, कोई भी वायदा पूरा नहीं किए। इसलिए मैं आप सब से दोनों हाथ जोड़ के, एक छोटी बहन मान लीजिए, अपने घर की एक सदस्य मान लीजिए, लेकिन मैं आज एक तरह से झोली फैला कर आपके सामने अपने भाई के लिए वोट मांगती हूँ, क्योंकि आपके लिए है ये वोट, आपको जिताएगा, क्योंकि हाथ का साथ ही हमेशा आपके साथ रहेगा। कमल का भूल जो है वो बहुत बड़ी भूल है और इस भूल को आप मत दोहराइएगा, यही मेरी इंतजा है और यही मेरी एक गुहार है, ख्वाहिश है, और अगर खुदा ने चाहा तो मैं जरूर आपके बीच में फिर आऊंगी, जब भाई जीतेंगे तो फिर हम सब जश्न मनाने साथ में रहेंगे, लेकिन आज ये जीत उनकी नहीं 7 तारीख को होगी, ये आपकी होगी और ये बहुत अहम तारीख है, इस पे आप वोटिंग करने जरूर जाइएगा और हाथ के पंजे पर वोटिंग कीजिएगा, क्योंकि हाथ का पंजा ही ऐसा है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश में गरीबों के लिए, मुफलिसों के लिए और हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, हर एक के लिए सोचा है और किया है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन है, बहुत सारी चीजें ऐसी पॉलिसीज है।